और जनता ने तय कर लिया कि किधर जनता के आशीर्वाद। भगवान सिंह का ये भगवा गमछा हर तरफ दिख रहा है। हार गया, जाकर देखिए समूचे थी में कितना वोट से जीत जीत जनता तय कर लेगी। हार जैसे कि मोकामा की जनता तय कर चुका है क्या करना कमल किला। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को मतगणना होनी है। अब मोकामा के रण में एक तरफ जहां ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज से वो भी उतर चुके हैं। आज दिन भर मोकामा में रहने के बाद मैं पटना लौट आया हूं। आज दिन भर मैं भी मोकामा में था, लोगों से जान रहा था, लोगों से पूछ रहा था। कई नेता मिले, कई महागठबंधन की ओर के भी नेता मिले, कई बीजेपी की ओर के भी नेता मिले। सूरजभान सिंह जो कि मोकामा की राजनीति के एक बड़े शख्सियत हैं, पूर्व सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी भी सांसद रह चुकी हैं, मुंगेर से जीत चुकी हैं। ललन सिंह को हराकर 2014 में वीणा देवी सांसद बनी थी। सूरजभान सिंह दावा कर रहे हैं कि मोकामा में कमल खिलना तय है। हमने उनसे बातचीत की, जानना चाहा, क्योंकि विरोधी ये कह रहे हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 2024 और 25 में भी खाता नहीं खुलने वाला है बिहार में बीजेपी का। क्या कुछ सूरजभान सिंह कह रहे थे, जरा सुनिए। सूरजभान सिंह हमारे साथ है, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल जैसे कि मोकामा की जनता तय कर चुका है क्या करना कमल खिला देना। नरेंद्र मोदी को तो कह रहा है कि बहुरूपिया है ललन सिंह घूम घूम कर। देखिए बहुरूपिया देश में कौन है, कौन इधर है उधर है, जिससे की दुनिया जानता है, काहे के लिए हमसे बुलवाते हैं। लंबे समय तक अनंत सिंह विधायक रहे, इस बार सोनम देवी को आप लोगों ने चुनाव में खड़ा करवाया, लगता है कि जीत होगी? और जैसे जीत श्रीमती गांधी आ रहे हैं तो बाकी लोग किस गली में है? इस बार क्या माहौल लग रहा है मोकामा का? माहौल जनता ने तय कर लिया कि किधर जनता के आशीर्वाद। भगवान सिंह का ये भगवा गमछा हर तरफ दिख रहा है। हार गया, जाकर देखिए समूचे थी में कितना वोट से जीत जीत जनता तय कर लेगी। वो तो कह रहे हैं कि जमानत जब्त कर देंगे 6 तारीख को, देखिएगा। अरे इतने बड़े पहलवान थे तो एक दूसरे से सिलेंडर इतने जल्दी हो जाते हैं। मतलब दावा कर रहे हैं सूरजभान सिंह जीत होनी है? जीत हो चुकी है, माहौल बदल गया, देश तय कर चुका है जिसे करने का था। माहौल तो माहौल जाके देखिए ना, शहर का शहर भगवा। 24-25 में भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और बिहार में छका देंगे, खाता नहीं खुलेगा बीजेपी इंडिया। अरे देखिए बहुत बार बहुत लोग हल्ला करते हैं, 14 में नहीं बोले थे, देखिए ना कहाँ आया लड़ाई। जीत तय है, एकदम हो चुकी है जीत जनता। सूरजभान सिंह हमारे साथ थे और कह रहे हैं कि जीत तय है। तो सूरजभान सिंह ने क्या कुछ कहा है ना, आपको सुनाया है। वो लोग जो प्रतिद्वंदी थे आप समझ सकते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में नीलम देवी जो कि अभी आरजेडी के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन की उम्मीदवार हैं, वो उस वक्त कांग्रेस की उम्मीदवार थी मुंगेर से, और ललन सिंह राजीव रंजन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उस वक्त एनडीए के उम्मीदवार थे, जेडीयू से कैंडिडेट थे मुंगेर से। तो प्रतिद्वंदी यही दोनों थे, लेकिन अब ललन सिंह ही नीलम देवी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अब बिहार में एनडीए नहीं है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और ललन सिंह भी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं महागठबंधन को, आरजेडी को। तो आप समझ सकते हैं सूरजभान सिंह क्या कुछ कह रहे थे, क्या हालात बदले हैं। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सूरजभान सिंह भी ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का कमल खिलना तय है मुकाम में। अब देखना यह है कि 3 नवंबर को जनता किसके सर पर अपना आशीर्वाद वाला हाथ जो है वो रखती है, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।